दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर में बिजली का गीजर लगा है, क्योंकि वो भी सोचते होंगे कि एक बार पानी गर्म करने के लिए ये कितने रुपए की बिजली खा जाएगा। ये बात दोस्तों, जो गीजर लगे को आज 120 दिन हो चुके हैं, मानकर चले कि 4 महीने, तो 4 महीने में इसने कितनी बिजली खाई, क्योंकि एक दिन या एक घंटे से उतना पता नहीं चलता। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक सब मीटर यहाँ पर लगा दिया जी, और जहाँ पर जो इसकी रीडिंग है आ रही है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो ये अभी वाट ले रहा है, ये देखें जी, 1890 वाट, यानी कि ये 2000 वाट का गीजर है। थोड़ा बहुत बिजली कम होने के कारण वाटेज कम है। ये 1 अक्टूबर को मैंने गीजर लगाया था, उस समय जो पानी का टैंकी की पानी का टेम्परेचर था वो 26 से 27 डिग्री होता था, लेकिन आजकल ठंड ज़्यादा है, मौसम ज़्यादा ठंडा है, तो जो पानी का टेम्परेचर है वो 12 डिग्री है। तो जब ज़्यादा ठंड होगी तो हम भी ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे, तो इसलिए क्या है कि पहले जो मेरा टेम्परेचर था 26 डिग्री, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में मैं जहाँ पर 53 पर रखता था, लेकिन अब मुझे ये वाला टेम्परेचर है वो 64 या 65 के आसपास रखना पड़ता है। तो जब पानी, पहले टूटी का पानी, टैंकी का पानी, इसको थोड़ा गर्म मिला, इसने थोड़ा गर्म करना है तब, क्योंकि उस समय हमने पानी का टेम्परेचर भी कम रखा था 55 तक, तो इसका जो थर्मोस्टेट था वो जल्दी कट कर जाता था। अब ज़्यादा ठंडे पानी को ज़्यादा गर्म करना तो बिजली भी ज़्यादा खाएगा। तो अगर हम इस तरह से एक दिन की एवरेज निकालेंगे तो नहीं निकलती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक सब मीटर लगा दिया। इससे हम 5 आदमी नहाते हैं, यानी कि ये गीजर है एक दिन में 5 बार खाली होता है, बिल्कुल खाली नहीं होता। जैसा कि जहाँ पर 65 इसका टेम्परेचर है, अभी ये इसने कट कर दिया, जब मैं इससे पानी लेता हूँ तब इसका जो टेम्परेचर है 40 पर आ जाता है। अगर हम इसको पूरा खाली बोलेंगे तो फिर तो इसका जो टेम्परेचर है बाहर का, जैसे कि 12 डिग्री है, इतना रह जाएगा, लेकिन इसका अंदर का जो पानी का टेम्परेचर है 40 रहता है। तो 40 डिग्री को इसने 65 तक लेकर जाना होता है। यह सब कुछ एवरेज दोस्तों इस मीटर में आ चुकी है, तो हम इसकी एवरेज निकालते हैं। 120 दिन 4 महीने, इसके अंदर 470 यूनिट की खपत है, 470 kWh। अब ये 484 है kVAH। दोस्तों इसको हमने नहीं लेना, क्योंकि ये वाली रीडिंग जो हमारे घर का बिजली का बिल है उसमें kWh वाली रीडिंग ही आती है, तो हम kWh वाली रीडिंग ही लेंगे। अब जैसा कि ये गीजर बंद है, ठीक है जी, तो ये रही इसकी kWh की रीडिंग, 470 kWh। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि एक दिन में ये कितने रुपए की बिजली खाता है। तो जैसा कि 470 यूनिट 120 दिन में खपत हुई है, तो जो इसकी एवरेज आ रही है 3.9, हम 4 यूनिट डेली की मानकर चलते हैं। तो जो भी आपके एरिए में बिजली का रेट होगा आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरी बात के एरिए के हिसाब से जो पानी का टेम्परेचर कम ज़्यादा होने की वजह से ये एवरेज थोड़ी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो जहाँ की एवरेज है ये बिल्कुल सही निकाली गई है। तो इस तरह से दोस्तों जो बिजली वाला गीजर है, पर डे एवरेज अगर निकालो तो 4 यूनिट बिजली खाए गया, अगर आप 5 आदमी नहाते हो तो। बाकी फैमिली के ऊपर डिपेंड है कि कितनी बड़ी फैमिली है, पानी का टेम्परेचर क्या है, यह भी इन बातों पर डिपेंड करता है जी। तो छोटी सी वीडियो जानकारी के लिए थी, अच्छी लगे तो शेयर कर देना, लाइक कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।